कहिए आप पहले। ये मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है एंड हम तो चाहते हैं 5 का 50 मिलियन हो। आई विश। हाँ एंड वी हैव डन पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट सब ने और बड़े दिल से और शिद्दत से बनाई हमने मैम ने हमने सब ने और यही आशा है कि सबको पसंद आए और ज़रूर आएगी हमको तो। ये बहुत ही मज़ेदार फैमिली कॉमेडी स्लैश ड्रामा है जो बहुत ही अपलिफ्टिंग है। मतलब इन बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स में हम एक अच्छी सी छोटी सी फैमिली कहानी देखने जा रहे हैं और हमें तो बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि हम एक फैमिली जैसे हो गए एंड वी होप दैट कि वो जो फीलिंग है वो स्क्रीन पे भी आए और इसमें मैसेज है कि आई थिंक फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर कि आजकल इन मुश्किल मतलब टाइम से हम जी रहे हैं में हम जी रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फैमिली सपोर्ट फैमिली टुगेदरनेस क्योंकि फैमिली का सहारा कुछ अलग ही होता है। और मैम टाइटल की बात करें टाइटल कुछ अनोखा है तो इस टाइटल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे पोटलक मतलब क्या है मतलब पोटलक पोटलक ये होता है कि सब खाने पे मिले और अपने अपने घर से कुछ लाए सी इसमें ये सिंबॉलिज्म है एक प्रकार से इसका कहने का मतलब ये है कि परिवार को साथ में रहना चाहिए मिलना चाहिए और घर से अपना प्यार लाएं खाना तो लाएं अपना प्यार लाएं अपना संबंध बनाएं और एक साथ बैठे मिले। आजकल की दुनिया में कि तो सब बिजी रहते हैं अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में तो पॉटलक ही एक जगह है खाने का टेबल जो होता है जहाँ पे सब मिलते हैं खाना आता है खाना खाते हैं स्वाद लेते हैं एक दूसरे का भी और खाने का भी एग्जैक्टली और आजकल सब लोग अपने फ़ोन पे बिजी रहते हैं। एक अगर आप किसी घर में जाएं तो माता पिता और बच्चे सब अलग अलग ह्यूमन इंटरेक्शन कम ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है पिछले 10 सालों में तो पॉटलक का मैसेज क्या है कि आप भाई एक रिचुअल बनाएं कि हर महीना या आप एक साथ मिलेंगे खाना खाएंगे अपनी फीलिंग्स बांटेंगे अपने प्रॉब्लम्स बांटेंगे। करेक्ट। एक जगह जब आप ट्रेलर में बोलते हैं ये खरीद लिया आपने तो वो थोड़ा कहानी के बारे में अगर आप कुछ बता सके थोड़ा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली हम वो सारा वो प्लॉट नहीं बनाना बताना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा अगर आप बताएं तो मज़ा आ जाएगा। हर एपिसोड में एक नया मसाला डाला जाता है डिश में ओके तो वो तो रहेगा कि आप आगे भी इच्छा हो देखने को तो नहीं मतलब ये जो हैं गोविंद शास्त्री जो मैं किरदार कर रहा हूँ और मेरी पत्नी प्रमिला तो मैं ये डिसाइड करता हूँ एक पॉइंट पे जब रिटायर होने के बाद और कि परिवार को एक साथ कैसे लाया जाए तो ये एक पॉटलक का एक आइडिया आता है और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हर इंसान अपने घर से कुछ ना कुछ लाता है खाने के अलावा तो वो कैसे वो रिवील होता है एक एक कैरेक्टर के बारे में और ये तो साफ देखना पड़ेगा। भाई प्रमिला की प्रमिला का फेवरेट डिश तो चिकन करी है वो तो माहिर है चिकन करी बनाने में तो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करती है तो वो भी एक बहुत फनी सीन है जब वो उनको सिखाने की कोशिश करती है क्योंकि उनको पकाना आता ही नहीं है खाना पकाना तो ऐसे सारे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें सिर्फ सिंपल स्टोरी है लेकिन उसके अंदर जो मज़ा आता है ना सिर्फ खाने का बट खाना खाने के तरीके का एक जैसे गोविंद शास्त्री चॉपस्टिक्स से खा रहा है जो आपने प्रोमो में देखा होगा उसको चॉपस्टिक्स से खाना जो है थोड़ा अजीब लग रहा है तो उसमें भी एक मज़ा है कि खाना तो खा ही रहे हैं मज़े तो कर रहे हैं किस तरीके से खा रहे वो भी एक कहानी है सर। चलिए जाते आते सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि सभी को एक साथ में लाना बहुत ही टफ हो गया है तो क्योंकि आप इस फैमिली के सबसे मेन हैं तो क्या कुछ करना चाहिए जो घर के जो सीनियर हैं पर्सन हैं हमारी फैमिली को एक साथ में लेकर चले उसके लिए
क्या कुछ कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे यूथ को, स्पेशली सोशल मीडिया पर बिजी रहती है अपने अपने ही बेडरूम में खड़े रहते हैं? मैं तो यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा इस सिलसिले में कि जैसे एक बाप कोशिश कर रहा है अपने बच्चों को लाने की, बच्चों ने भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने तरफ से वो चाहें कि अपने पेरेंट्स से मिले, रीयूनाइट करें उनके साथ, अपने सिबलिंग, अपने भाई बहनों के साथ, सब मिलके एक परिवार एकजुट होकर रहे। और अल्टीमेटली इसका जो टैगलाइन है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। आपकी जो को स्टार है उनके साथ कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस वर्किंग, थोड़ा कुछ अगर आप बता। किनके साथ? को स्टार। ये भी आपने कैसा सवाल पूछा, आपने सब आप सबसे मिले तो हो ना। हाँ, लेकिन मस्ती कितना की आप लोगों ने? मतलब मस्ती तो बहुत किया, ज्यादा मस्ती किया और एक्टिंग कम किया। हाँ। और कभी कभी दोनों साथ में। मतलब ये भूल जाते थे कि शॉट चालू है कि नहीं। मतलब इतने रंजे हुए थे कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन एक हो रही थी। चलिए 10th ऑफ सितंबर किटू जी कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, सोनी लीव पर स्ट्रीमिंग हो रहा? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वी आर सो हैप्पी टू शो यू दिस सीरीज, और आप सब प्लीज़ बैठ के देखिए, एक साथ पूरा परिवार बैठ के आप देखिए, और आपको कैसा लगता है हमें बताइए कि हम क्या सही रास्ते पे चल रहे हैं एज अ फैमिली और नॉट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक, थैंक यू। ऑडियो बराबर आ रहा है? सर आपकी आवाज़ तो एकदम। अरे सर नहीं, अरुण जी आप बहुत अच्छे। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू। के बारे में पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग की फेवरेट डिश क्या है एंड क्या क्या लाते थे आप लोग टेबल पर पोटलक पर कि ये मेरी फेवरेट। आपका पहला सवाल क्या है सर? पहला ये कि फेवरेट डिश क्या है डिश। अच्छा, जो आप पॉटलक के लिए लेके आएंगे? जो आप पॉटलक। मेरा फेवरेट डिश है प्रेरणा। और बस वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही कहा, क्या बात है। मेरा फेवरेट डिश भी यही है, पर ये इनका जो कैरेक्टर है वो लखनऊ से आते हैं, तो लखनऊ की खासियत जो है गलौटी कबाब्स और टुंडे कबाब्स और टंगड़ी कबाब। तो जी वही पसंद है। और पॉटलक में क्या है कि हमारी फैमिली इतनी क्रेजी है और इतनी क्वर्की है कि आप जो भी लेके आए हम खुशी खुशी खा लेंगे। खुशी तो बहुत कम देखने को मिली मुझे जब मैं आया पॉटलक में। और वही तो खास बात होती है पॉटलक की, जब भी फैमिलीज कम टुगेदर, ऊपर से तो सब खुश लगते हैं लेकिन अंदर जो चल रहा होता है, दैट इज आई थिंक व्हाट अ इन अ वेरी नाइस कॉमेडी वे पॉटलक इज कंडक्टेड। एंड फॉर दैट यू हैव टू वॉच पॉटलक ऑन 10th ऑफ सितंबर ऑन सोनी लाइव। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों खुशी कम देखने को मिली आपको, मतलब ऐसा क्या कुछ हुआ अगर आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है देखिए? मुझे तो पहली बात तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कंटेंट अभी थोड़ा रियलिटी जोन में लेके आ रहे हैं। हकीकत की बात है कि जब भी फैमिलीज कम टुगेदर इट्स नॉट ऑलवेज अ हैप्पी अफेयर, कुछ बातें बाहर आ जाती है और वही एक मौका मिलता है वेयर यू डिस्कस अबाउट फैमिली मैटर्स एंड एवरीथिंग। और सेम थिंग पॉटलक में भी ऐसे ही कुछ उन्होंने किया है, गौर किया है फैमिली मैटर्स पे, बट putting it across in a very nice fun slice of life sort of manner, जो आपके और romance है, romance बहुत सारा romance है, पूछिए हमसे कितना romance है, हम ही हैं romantic couple क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई, तो ये दिखाना चाहते कि उनकी शादी होगी उनके बीच में romance। मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप पॉटलक देखिए सितंबर 10th को ऑन सोनी लाइव। हमारे पास romance है, humor है, खाना है, लड़ाई है, झगड़ा है, सिबलिंग राइवलरी है, सब कुछ है। एंड ट्रेलर देखा मैंने, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेलर में ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। अभी मैंने देखा जस्ट कि 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे और कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर? नॉ 10th सितंबर को हम ये पूरा देखेंगे, जो अभी तक ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया 5 मिलियन, व्हाट मीन्स अबाउट ऑडियंस इतना अच्छा? वेल शैल आई? ओह प्लीज। वेल मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच टू ऑल दोज 5 मिलियन पीपल जिन्होंने हमारा ट्रेलर देखा और उनको पसंद आया और उन्होंने कॉमेंट किया। जो ट्रेलर में है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे सीरीज़ में है, तो प्लीज़ आइएगा और देखिएगा। अगेन मैं याद दिला रही हूँ 10th सितंबर ऑन सोनी लाइव। एक चीज़ जो हमारी फैमिली से दूर होते जा रहा है वो पोटलक से जा रहा है कि आप देख रहे हैं
हमारे ऑडियंस धीरे धीरे अपनी दुनिया में सोशल मीडिया पर ज़्यादा पोर्टलक के टेबल पर कम आती है, जैसा कि उसने दिखाने को कोशिश किया है। कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे कि आप एक साथ पर आए, अपनी अपनी फेवरेट डिश लेकर आए हैं, साथ में बैठे हैं, जब ना कि अपने अपने बेडरूम में सोशल मीडिया पर रहें। आप ही ने तो सब कह दिया सर। अगर आपकी एक ऐसी फैमिली है जो पॉटलक कंडक्ट करती है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक और बोल लाइएगा, खाली सा बड़ा सा बोल, और उस पर अपने सारे मोबाइल फोन्स डाल दीजिए और साथ में बैठ के खाना खाइए। आई थिंक फॉर दोज वन आवर इट्स वेरी नेसेसरी टू बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड बी कनेक्टेड टू आवर इनसाइड फैमिली। और ये 2 साल जो हमारे गुजरे हैं पैंडेमिक में, वैसे भी हम सब जितना भी पॉसिबल हो हम हमारी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो पॉटलक के लिए आइएगा, सब एक एक चीज़ बनाइएगा, हैं, एक बोल में सबके मोबाइल फ़ोन्स डाल दीजिएगा और फिर साथ में पॉटलक के बाद, खाना ख़त्म होने के बाद पॉटलक साथ में देखिएगा। मैम कहानी की बात करें, कहानी क्या है पॉटलक? एक तो आप बता रहे, लेकिन थोड़ा जहाँ पर आप कहते हैं तो क्या देखिए, फैमिली में नोकझोंक तो होती रहती है, मज़ा तो होता रहता है, और झगड़े होते हैं, राइवलरी होती है, थोड़ा रोमांस भी होता है, और ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ होम अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, ट्राइंग टू गेट सम यू नो अ लिटिल बिट ऑफ टाइम विद समवन स्पेशल मे बी, और तो बस यही है। इट्स अ क्वर्की फैमिली, इट्स अ फैमिली फुल ऑफ एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, सो इट्स ऑल ऑफ अस जस्ट लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ। और इट्स वेरी रिलेटेबल, यानी कि ये कैरेक्टर्स आपके खुद के घर में, आपके खुद के खानदान में आपने काफ़ी बार देखे होंगे, और यही एम्फेसिस था टू क्रिएट दिस कैरेक्टर्स, कि लाउड और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाले कॉमेडी कैरेक्टर्स नहीं आए हैं, बड़े घर के हैं, घर वाले में कुछ होते हैं शिखा जैसे, कुछ होते हैं सिद्धांत जैसे, कुछ होते हैं आलिम जैसे, कुछ होते हैं प्रेरणा जैसे, तो उसी वो थोड़ा रियलिस्टिक रखा है उसी में कॉमेडी, जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं। वेल पैंडेमिक में हम एक बायो बबल में थे, तो हम साथ में सेट पे जाते थे, साथ में काम करते थे, वापस आके डिनर साथ में करते थे, फिर बाद में चिल साथ में करते थे, तो हम एक फैमिली बन गए थे, यू नो, एंड वी रियली बिकेम अ फैमिली एंड वी स्टिल कीप इन टच, एंड देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, टू मैनी टू काउंट, एंड पर आई थिंक उसका मज़ा भी अलग था। एक होती है अभी शिखा जी, एंड आई हैव आल्सो डन शिखा जी, अभी कैमरास के लिए बोलना पड़ता है ना, वी हैव डन इनफ वर्क नाउ टू नो कि जब हम शूट कर रहे होते हैं किसमें एक एनर्जी होती है, एक सिनर्जी होती है, किसमें एक अच्छा फील आता है, वे यू नो कि आप जब शूट कर रहे हो कि अच्छा काम है, और उस अच्छे काम को हम आपको दिखाना चाहेंगे सितंबर 10 सोनी लिव पे। अगर आपको अब तक याद नहीं है तो एक और बार बोल लेते हैं, सितंबर 10 सोनी लिव पे। ओके, आखिर में 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी भी है जी, तो कुछ कहना चाहिए मैसेज गणेश, इस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके पॉटलक देखिएगा। वाह, बस यही है, गणपति जी को घर लाइए, साथ में बैठे गणपति जी के साथ और सोनी लिव समोसे के साथ और चिप्स के साथ, आरती के बाद पॉटलक देखिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ। वैसे भी आपकी फैमिली आपके साथ ही होगी, क्योंकि उसी दिन प्रवेश होगा गणेश जी का, तो करेक्ट टाइम है, देख लो पॉटलक, बिंज वॉच कर लो। थैंक यू अरुण, थैंक यू गाइज। कैमरा के थोड़ा बहुत खुशी होती है, वी आर सो हैप्पी, आई मीन लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस, कि ये शो बहुत रिलेटेबल है, इट्स अ फैमिली शो, यू नो इट्स समथिंग जो आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल हैव वॉच द ट्रेलर, दे लाइक्ड इट, दे हैव स्पोकन अबाउट इट, आई हैव सो मेनी पीपल जिन्होंने आके बोला कि ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है, वेटिंग कब आएगा शो, सो इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज एवरीबडी इज वर्क्ड सो हार्ड। मेरे साथ पता है क्या होता है, घर पे अगर लोग आजकल वेब सीरीज देख रहे हो तो अलग अलग कमरे में देखते हैं, क्योंकि गालियाँ बहुत हैं, वायलेंस बहुत है,
थ्रिलर्स बहुत चल रहे हैं आजकल, उसमें पॉटलक का ट्रेलर एक्चुअली रिफ्रेशिंग थिंग बिकॉज इतना क्लीन शो है, इसमें सिर्फ ह्यूमर है और कॉमेडी है और कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो आपको फैमिली में अनकंफर्टेबल बना देंगे. जब हम कह रहे हैं ना फैमिली एंटरटेनर, तो इट्स अ जेन्युइन फैमिली एंटरटेनर. आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो, पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हो, एकदम क्लीन कॉमेडी है. वो ही आइडिया है, वो ही आइडिया है शो का कि सब लोग साथ में बैठ के दे कम क्लोजर टुगेदर. दिस शुड बी दैट शो. एक वो शो होता है ना कि आज रात को 9 बजे सब डिनर करते हुए साथ में कुछ देखेंगे, आज का मनोरंजन. और आप देखो आजकल पॉटलक का मतलब सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ. इसकी घर में जो जो खाना बचा हुआ है ना वो सब इकट्ठा ले और एक साथ खाते. एक साथ खाते वाले इमोशन आई थिंक हमारी जो भी जिंदगी 1-1.5 साल से निकली है कोविड के बाद, हमें इतना तो रियलाइज़ हो गया कि यार फैमिली ज़रूरी है. क्योंकि हम लोग घर से दूर रहते हैं, नॉर्मली घर से दूर रहते हैं और हम अपनी दुनिया में रहते हैं. जब कोविड हुआ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार नहीं, सबसे ज़रूरी माँ बाप है, सबसे ज़रूरी भाई बहन है, सबसे ज़रूरी भाभी है और मेरे भतीजे भतीजी हैं. और ये इस शो में आई थिंक टाइमिंग वाइज बहुत सही है कि जब रिलीज होगा तो पीपल आर ऑलरेडी फीलिंग लाइक हाँ यार फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. COVID has done one thing, what it's gotten family closer. It has. एक दूसरे के साथ finally time spend कर रहे हैं. हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं पोर्टलर की कि सारी family एक साथ है. ये देखिए पूरे world को एक साथ अपने जूतों पे. Message clear है. मैं बचपन में समुंदर में था यार, मैं ship पे था तो मेरे को ये maps बड़े अच्छे लगते. मुझे मेरा आंसर तैयार है, आप बताओ. नहीं नहीं, सो मैंने ये कहानी पहले भी बताई थी 2 मिनट पहले, बट पहले 3-4 दिन सलोनी और मैं बहुत फोकस थे कि हम वर्कआउट करेंगे, शूट करेंगे, 12 घंटे शूट होता है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे. हमने 4 दिन किया, 5वें दिन सलोनी के घर से खाना आया, उसके बाद वो पूरी आदत ख़राब हो गई. उसके बाद रोज़ नई नई जगह से खाना आ रहा था और ये सलोनी की गलती है. एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो रोज़ होटल का खाना या बाहर का खाना, तो वो सब लोग मिस कर रहे थे कि घर का कुछ घर का खाना खाते हैं. तो मैं दिल्ली से हूँ, हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, घर पे फ़ोन किया तो मम्मी का तो होता ही है, मम्मा को बोलो दाल चावल भेजने हैं, तो वो 10 चीज़ें दाल चावल सब्जी चिकन वो मीठा सब आया उसके घर से. ख़राब हो गई और फिर कुछ और खाया ही ना जाए, फिर घर से घर का ही खाना है. तो आई थिंक मेरे घर से खाना आया, फिर जतिन जी ने भी कुछ, जतिन सर ने अपने उनके नेफ्यू थे आई थिंक रिलेटिव्स के घर से खाना मंगाया, फिर साइरस ने अपने दोस्त के घर से खाना रेस्टोरेंट से खाना मंगाया. तो ये फिर एक पैटर्न बन गया था कि हम लोग ऑन स्क्रीन पॉटलक तो कर ही रहे, ऑफ स्क्रीन मेरे कमरे में, कभी साइरस के कमरे में, कभी सलोनी के कमरे में, सब मिलके खाना खा रहे हैं. बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत सभी हैं, साइरस है, शिखा जी है, आप जी सभी के साथ का कैसा एक्सपीरियंस अगर आप लोग बता सके. अरे सभी इतने स्वीट है, इतने कोलैबोरेटिव है. आपको मैंने उन्हें हमेशा स्क्रीन पर ही देखा है इन सबको, एंड इनके साथ काम करना वो इज मैजिकल यार. बिकॉज इनिशियली आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं थोड़ी नई हूँ एंड इसके साथ तो आई मेट हिम ऑन द फर्स्ट डे, सो हमारी एकदम से दोस्ती हो गई थी, सो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल. बाकी सबसे आई वॉज लिटिल कि कैसे होंगे, यू नो आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक से करना है, गलती नहीं करनी. बट दे वर सो स्वीट, हम एक फैमिली बन गए थे, आई थिंक हम एक फैमिली है. सो मेरे लिए सिर्फ जो इंटिमिडेटिंग था वो जतिन सर और किट्टू मैम के साथ सीन्स करने में मेरे को थोड़ा ऐसे डर लगता है. एंड काफी सीन्स है ना, हां, क्योंकि उनको मैंने मतलब बहुत सीनियर एक्टर्स है वो, किट्टू मैम एंड जतिन सर, तो वहां पे मेरे को डर लगा था. बट उन लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना ऑफ कैमरा, जब हम जाते थे सेट पे तो पहले पूछते थे खाना खाया क्या खाया, ये करो वो करो, एंड दे वुड गाइड मी थ्रू द सीन्स व्हिच वाज इट बिकेम इजीियर. बाकी जो साइरस, शिखा, ईरा, इनका तो मैं वैसे ही बहुत फैन हूँ. इनको मैं थोड़ा बहुत मतलब लाइफ में इंटरेक्शन हुई, ईरा के साथ काम करने की कोशिश की थी पहले, शिखा को मैं मतलब थोड़ा बहुत जानता हूँ. तो इनके साथ तो वो बेस्ट था कि यार एक्चुअली दोस्त थे नहीं, पर 2-4 दिन में ऐसा लग रहा था कि यार बहुत गहरी दोस्ती हो गई. और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक एक्चुअली मैं टेंथ ऑफ सितंबर को सोनी लिव पे स्ट्रीमिंग हो रहा है, ये बोलने के लिए हमें बोला गया, बहुत जरूरी है ये पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग. सोनी लिव पे 10th ऑफ सितंबर 2021
प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा पॉडकास्ट, पेमेंट आ जाएगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट मैन. थैंक यू.